दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आज हम बनाने वाले हैं आंवले का अचार, जो हम खेत से लेके आए थे। मुझे आंवले का अचार बनाना नहीं आता है, और तो मेरी सासू जी बनाएंगी आज आंवले का अचार। आप देखते रहे हम आंवले का अचार कैसे बनाते हैं। ये है आंवले, और अब हम इसका अचार बनाएंगे। हमने मेथी को भून रहे हैं। ये है मेथी, और ये तब तक भूनी है जब तक ये भूरी भूरी ना हो जाए। तो हमने मेथी को पूरा भून लिया है। अब हम भूनेंगे जीरा, और ये है जीरा। हमने जीरे को भी भून लिया है, और अब हमने रखा है भूनने के लिए सौंफ। और सौंफ हमने थोड़ी सी रखी है, और ये है अजवाइन, और इसको भी हमने थोड़ा थोड़ा भून लिया है। तो जो हमने वो मसाले भुने थे, अब हम उसको सिलबट्टे में पीसेंगे। इसे बोल सकते हैं आप पहाड़ी मिक्सी, आप देख सकते हैं। और ये मेरे सासू जी पीस रहे हैं अचार के लिए मसाला। दोस्तों इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही पीसना है, और इसको पूरा लगभग अब पीस लिया है। ये पीस लिया है हमने मसाला, आप देख सकते हैं। कढ़ाई में डाला है, रखा है गरम तेल, और हमने इसको खूब उबाल रखा है। और अब इसमें हम आंवले डाल रहे हैं। तो हमने इसमें पूरे आंवले डाल दिए हैं, और हम अब इसको तेल में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हमने इनको तेल में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हमने इसको ढक लिया। तो हमने इसको थोड़ी देर उबालने के लिए रखा है तेल में। अब थोड़ी देर बाद देखेंगे इसमें क्या होता है। तेल में अब अच्छी तरह से पक गए हैं, और अब हम इनको तेल से निकाल देंगे। सारे आंवले हमने तेल से निकाल दिए हैं। अब ये वाला तेल हमने ठंडा होने को रख लिया है, और उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। दोस्तों हमने ये मसाले अब इस तेल में डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, और ये है ज़्यादा गरम तेल में मसाले नहीं डालने हैं, सिर्फ तेल गुनगुना ही होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे नमक, और ये है हल्दी, और ये मिर्च डाल दी हमने। अब ये है लाल मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, और ये हमारे अचार की, ये हमारा अचार का मसाला तैयार हो गया है। हमने ये आंवले हमने इस मसाले में मिला दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, आप देख सकते हैं। दोस्तों अब ये अचार खाने लायक हो गया है, अब इसे हम खा सकते हैं। अगर आपको मेरी